नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और जितने भी कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वे सभी लोग संविधान के एक केस जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस केस का नाम है इंद्री बेरुबारी केस। यह केस इतना इम्पोर्टेंट है, इस केस के बारे में अनेक बार हम लोग पढ़ते हैं और हम अधिकतर यही समझते हैं कि बेरुबारी का जो केस हुआ था ये सिर्फ इतना कहता है कि संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बेरुबारी केस को हम सिर्फ इतने बारे में ही समझते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है और इसके फैक्ट्स भी आपको जानना जरूरी है कि इस बेरुबारी केस में आखिर हुआ क्या था और ये बेरुबारी एक्चुअली है क्या। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक छुपा हुआ पहलू जो है बेरुबारी केस के अंतर्गत। तो बेरुबारी एक जमीन का टुकड़ा है जो वेस्ट बंगाल राज्य के अंतर्गत आता था, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो ये बेरुबारी केस एक्चुअली है क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। द बेरुबारी केस AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 845। तो बेरुबारी केस जो है एक जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े के बारे में विवाद हुआ था और ये विवाद पाकिस्तान द्वारा किया गया था। पाकिस्तान जब हम आजाद हुए थे उसके बाद से बेरुबारी नामक इस टेरिटरी पर अपना क्लेम जताने लगा और ये क्लेम इसलिए जताता था क्योंकि हमारे देश में जब टू नेशन थ्योरी लाई गई थी, टू नेशन थ्योरी की वजह से मेजोरिटी के हिसाब से जो रेडक्लिफ जो थे, सर जॉन रेडक्लिफ, इनके द्वारा जमीन बांटी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उनके द्वारा इस बेरुबारी के मामले में उनसे उस डॉक्यूमेंट में लिखना भूल गए थे और इस वजह से पाकिस्तान बेरुबारी के ऊपर अपना क्लेम करने लगा था। और इस क्लेम को खत्म करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तत्कालीन यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के अनुसार ये तय हुआ कि बेरुबारी को इक्वली बांट दिया जाएगा, मतलब आधा आधा बांट दिया जाएगा, आधा टुकड़ा पाकिस्तान रखेगा और आधा टुकड़ा भारत रखेगा। लेकिन दिक्कत ये हुई, क्या यह एग्रीमेंट किया जा सकता है, क्या भारत की टेरिटरी को दिया जा सकता है, क्या देश के प्रधानमंत्री भारत की टेरिटरी को आधा दे सकते हैं या देश की जो संसद है क्या वो दे सकती है, यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। और चूंकि ये सू मोटो आया, इनरी का मतलब होता है जब सू मोटो, मतलब स्वप्रेरणा से जब मामला आता है तो इनरी कहलाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेरुबारी इज द पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बेरुबारी एक जमीन का टुकड़ा है जो वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है और इट इज अ लैंड कॉल्ड बेरुबारी। तो बेरुबारी एक जिला है, एक एरिया है। अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। जब हम आजाद हुए थे तो माउंट बेटन जो थे वो एक प्लान लेकर आए थे। इस माउंट बेटन प्लान 1947 में लाया गया था और ये माउंट बेटन प्लान को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है। और इस माउंट बेटन प्लान के तहत ये तय हुआ था कि टू नेशन थ्योरी, मतलब दो राज्य बनाए जाएंगे, आजादी किस प्रकार से होगी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए पाकिस्तान रहेगा, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के लिए भारत रहेगा। तो इसके लिए माउंटबेटन ने जॉन रेडक्लिफ करके जो एक व्यक्ति है इंग्लिशमैन, उनको बुलाया था और इनको 5 हफ्ते का समय दिया था कि आप भारत और पाकिस्तान के लैंड का डिवीजन करें। तो रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान को मेजोरिटी के आधार पर, प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी यानी बहुलता के आधार पर, जहां ज्यादा जनसंख्या जो रिसाइड करती है उसे मुस्लिमों को देना और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उन्हें भारत में देने की एक थ्योरी बनाई। और आप सभी को बताया पूर्वी क्षेत्र में जो आज बांग्लादेश है वो बांग्लादेश पहले पूर्व पाकिस्तान हुआ करता था, यानी पाकिस्तान का ही टुकड़ा था। और उधर पश्चिम क्षेत्र में जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित है, तो इस प्रकार उस समय का जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश भी मिला हुआ था। तो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो आज बांग्लादेश की ओर जा चुका है। वहां पर वेस्ट बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है जलपेगुड़ी जो एक जिला है, इस जिले का एक क्षेत्र है बेरुबारी जिसके बारे में रेडक्लिफ जो थे वो लिखना भूल गए, यानी ही फॉरगेट इन रिटन मैप, जो उन्होंने रिटन मैप बनाया था उस मैप में उसके बारे में उल्लेख करना वो भूल गए और इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने इसमें डिस्प्यूट अराइज करने लगा, क्लेम करने लगा कि ये जमीन का टुकड़ा भी हमारा है। और 1958 में इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, और वहां पे जो प्रधानमंत्री थे नून, एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि
कि द लैंड विल बी इक्वली डिवाइडेड, यानी जो बेरुबारी की जो भूमि है वह आधी आधी बांट दी जाएगी। अब ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आता है, सरकार एग्जीक्यूटिव फंक्शन करती है, तो प्रेसिडेंट ने इसलिए इस मामले को 143 हम सभी को पता है संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि जब कभी भी कानूनी मामलों में, संवैधानिक मामलों में गवर्नमेंट को राय लेने की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकेगी। और जब ये 143 में मामला परामर्शदायी क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो इसलिए इस केस का नाम है इंद्री बेरुबारीज केस, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 845। अब इसमें जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने ये इश्यूज थे। सबसे पहला इश्यू था क्या पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 में जमीन का टुकड़ा देने का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है और नाम बदल सकता है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि पार्लियामेंट जो है अपनी जमीन का टुकड़ा किसी फॉरेन स्टेट को यानी विदेशी राज्य को दे सकता है, ऐसा पावर नहीं देनी। पहला इश्यू यह हुआ। दूसरा, आर्टिकल 368 में संविधान को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, तो दूसरा इश्यू ये था कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करके ऐसा काम कर सकती है। और तीसरा था क्या प्रीएम्बल संविधान का अंग है, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ नॉट। इन तीन इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया पावर टू ग्रांट एनी टेरिटरी टू फॉरेन, तो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने सबसे बड़ा इशू था कि क्या देश का टुकड़ा है, देश की जमीन का टुकड़ा पार्लियामेंट किसी दूसरे देश को, विदेशी देश को दे सकती है, ऐसी कोई शक्ति है कि नहीं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पूरा डिसाइड किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नो पावर टू ग्रांट, यानी पार्लियामेंट के पास कोई शक्ति नहीं है कि भारत की जमीन का टुकड़ा किसी विदेशी राज्य को दे, ऐसा संविधान अलाउ नहीं करता है। और यदि आप देना चाहते हो, इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करना चाहते हो, तो आपको पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के हिसाब से आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उस अमेंडमेंट में शेड्यूल 1 में परिवर्तन लाना पड़ेगा, जो हमारी अनुसूची है संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और प्रीएम्बल के मामले में भी न्यायालय ने कहा कि प्रीएम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है, प्रीएम्बल को संविधान का भाग नहीं माना जाएगा। और इस जो जजमेंट आया 1960 के, इसी जजमेंट के तारतम्य में नवा संविधान संशोधन है 9th अमेंडमेंट लाया गया। नवा संविधान संशोधन 1960 में लाया गया, जिसके अंतर्गत ये जो नेहरू लून का जो अग्रीमेंट हुआ था, इस अग्रीमेंट को इन्फोर्स किया गया, यानी उसको लागू कर दिया गया। और जो शेड्यूल 1 में भी अमेंडमेंट किया गया, हमारी संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन हुआ, नेहरू लून अग्रीमेंट को इन्फोर्स कर दिया गया और भारत की एक जमीन का टुकड़ा जो बेरुबारी का था वह पाकिस्तान को सौंप दिया गया। अनेक भारतीयों को यह नहीं पता है कि इस प्रकार से हमारे देश की टेरिटरी का एक पार्ट पाकिस्तान को दिया गया था। तो यह है बेरुबारी का केस, जिसे हम सभी भारतीयों को जानना जरूरी है, संवैधानिक इतिहास को समझना जरूरी है कि हमारे देश में किस प्रकार से क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप बेरुबारी केस आज आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब YouTube चैनल लॉ इजी फॉर मोर लीगल अवेयरनेस।